हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके बीच में लेके आए हैं तंदूरी मोयो की रेसिपी। सो गाइस, किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैं तंदूरी मोयो की एक वीडियो भी बनाऊं, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। सो उन सब के लिए हमें सारे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। सबसे पहले तंदूरी मसाला पाउडर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए ये सारे खड़े मसाले जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ट्रे में, क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके नोट करके इस सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट कर सकते हैं गाइस। तो ये खड़े मसाले हैं, एक बेस इसका खड़े मसाले का, एक बेस इसका पाउडर मसाले का। तो इनको हमें रोस्ट कर लेना। रोस्ट आप अपने हिसाब से, चाहे तो ओवन में रोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो सन ड्राइड, और ऑफकोर्स पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं। हल्का स्लाइटली रोस्ट हो जाए उसके बाद इसको निकाल दें गाइस। ओवर रोस्ट नहीं करने, जलने का डर रहता है गाइस। सो फाइनली मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको ठंडा करने रख देंगे। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएंगे तो इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे, क्योंकि हम एक तंदूरी मसाला पाउडर बना रहे हैं। एक जार में डालेंगे इसको, और इसका एक बारीक महीन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास घर में जो भी जार रहेगा उसको इस तरह से पाउडर बना लें। तो ये तो ये खड़े मसाले का एक दूसरा एक बेस था। दूसरी साइड ये सारे पाउडर मसाले हैं, जैसे मैंगो पाउडर हो गया, यानी कि अमचूर पाउडर, साथ ही साथ चाट मसाला पाउडर, उसके साथ में डालेंगे ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हींग यानी कि असाफोटिडा, कसूरी मेथी ड्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी, साथ में डेगी रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे गाइस, चम्मच की सहायता से इस तरह से मिक्स कर लें। और अच्छे से मिक्स करना, तो फिर से इसको एक ब्लेंडर जार में डाल दें सारे मसालों को, एक बार और घुमा दें, ये और अच्छा इस तरह से ये कलर हो जाएगा। तो ये था मोटा मोटी तंदूरी मसाला पाउडर। तो जो रिक्वेस्ट आई थी वो थी व्यूअर की रिक्वेस्ट कि तंदूरी में डिप चाहिए। सो मायो के लिए गाइस तैयारी कर लेते हैं। आप इसे इस मसाले को स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब भी कभी कुछ तंदूरी से रिलेटेड आइटम बनाने का मूड करे तो आप बेहच इस मसाले को यूज कर सकते हैं। सो तंदूरी मोयो के लिए गाइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एगलेस मेयोनीज। सो मेयोनीज में डालूँगा एक चम्मच टेबल स्पून के करीब तंदूरी मसाला पाउडर जो मैंने बना के रखा है, और कुछ नहीं डालना गाइस, इसको मिक्स करना है। एकदम झटपट सा हमारा एक डिप तैयार हो चुका है, तंदूरी मोयो डिप। अगर इसको चारकोल का फ्लेवर देना हो तो एक जला हुआ कोयले को एक कटोरी में रखेंगे, कटोरी में थोड़ा सा क्लोव डालेंगे, साथ ही साथ घी या बटर डाल के गाइस इस डिप में अंदर रख के इसको कवर कर लेंगे, ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है वो डिप में आ जाए। तो दोस्तों, तंदूरी मोयो डिप को एंजॉय कीजिएगा अपनी मनपसंद स्नैक्स के साथ में। तो दूसरा डिप है मिंट मोयो। सो फिर से एक बाउल में मेयोनीज डाला, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें मिंट चटनी। सो मिंट चटनी का वीडियो भी ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख के चटनी बना सकते हैं। इसको भी झटपट मिला देंगे गाइस, बिना किसी वेस्टेज टाइम के। अब झटपट सा हमारा मिंट सॉस भी बन के, मिंट मायो का डिप बन के तैयार हो चुका है। इसको भी आप अपने मनपसंद स्टार्टर स्नैक्स के साथ इंजॉय ले सकते हैं। तीसरा डिप्स है हनी मस्टर्ड मायो। हनी मस्टर्ड मायो में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कसुंदी मस्टर्ड, आप चाहिए तो येलो मस्टर्ड या डीजोन मस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डालूंगा इसमें एक टेबल स्पून के करीबन हनी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हो गया हमारा हनी मस्टर्ड मायो। इसी तरीके के आप बहुत सारे डिप बना सकते हैं, जैसे कि सिजवान सॉस है तो सिजवान मायो भी यूज बना सकते हैं, अगर श्रीचा सॉस है तो श्रीचा मायो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस डिप को भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपने बर्गर, सैंडविचेस, हॉट डॉग और भी बहुत सारी चीज़ों में।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सेफ सुनील सिंह। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।